बिस्मिल्लाह, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी, वीडियो के स्टार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा लूडो खेल रहे हैं बच्चे। तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के हाथों में हर वक्त मोबाइल ना रहे, या वह बच्चे हर वक्त जो टीवी की तरफ ना रहे। बच्चों को थोड़ी सी एक्टिविटी इस तरह देनी चाहिए कि बच्चे थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा अपने गेम्स को थोड़ा खेलें, इस तरीके से ये लूडो शूडो खेलें, अपनी कोई चीज़ क्रिएटिविटी वाला कोई वर्क करें, पेंट कर लें, कुछ भी कर लें इस तरीके से। जिस तरह ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह जो बच्चे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए हेल्पफुल होती हैं, बजाय कि बच्चे 24 घंटे मोबाइल और टीवी वगैरह में बैठे रहें। और मेरे ख्याल में आउटडोर एक्टिविटी के अलावा भी ये चीज़ें जो है घर के अंदर, अगर आपने बच्चों को थोड़ी सी फैसिलिटेट करना है तो मोबाइल से थोड़ा दूर रखने के लिए बच्चों को, इस तरह की आपके बच्चों के लिए मोटिवेशनल भी होती है, बच्चों के लिए माइंड डेवलपमेंट में भी मदद होती है कि बच्चे इस तरीके से थोड़ा सा हट के जो है अपने कोई ना कोई इस तरह क्रिएटिव वर्क करते रहें। तो ये माशाल्लाह से मेरे बेटे ने बहुत ज़बरदस्त अपनी तरफ से जो बोर्ड बनाया है, तो बस मैंने इसका थोड़ा सा इसका शूट कर लिया। और इस तरीके से जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए बेसन का चीला। और मज़े की चीज़ है, ज़बरदस्ती चीज़ है, क्विकली है, थोड़ा हेल्दी भी है। ऑब्वियस ही बात है, आप थोड़ा सा देसी घी या कोई भी ऑयल आप तवे पे लगाएं, उसके बाद बेसन के अंदर प्याज और सबस प्याज जो है वो काट लें और सबस धनिया काट लें। जिस तरीके से अगर आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 2-3 चीज़ें ही आपने, जैसे पकौड़ों के अंदर मटेरियल जो भी अंदर मसाले जात अंदर ऐड करने होते हैं, सूखा धनिया पाउडर और जो भी लाल मिर्च अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना हो, तो बस 2-3 चीज़ों से ही ना ये क्विकली सा जो है ना, मुझे कभी भूख लगे ना तो मैं इस तरीके से ना खा लेती होती हूँ। ये डाइट के लिए भी अच्छा है, आपको पता ही होगा कि एज़ कम्पेयर टू अगर आप गंदम की रोटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो अगर आपने ऐसे डाइट आपको यूज़ करना हो तो बेहतर है कि अगर आपने ब्रेड वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ बजाय आप रोटी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभार आपका दिल करे तो कुछ हैवी, तो आप इस तरीके से जो है बेसन का चीला जल्दी से क्विकली से आप इस तरह पानी के अंदर जो बेसन को घोल के ये सारी चीज़ें अंदर ऐड करके आप बड़े मज़े का जो है बना सकते हैं। उसमें ज़्यादा जो है आपको वो भी नहीं है कि आपने ज़्यादा इसमें घी भर भर के आपने पराठे की तरह इसमें ऐड करना है, तो आपको तो पहले ही पता है जो पराठे वगैरह हैं और इस तरह के देसी घी के बनी हुई चीज़ें जो ऑयली चीज़ें हैं वो सेहत के लिए भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। पता नहीं किस तरह लोग जो है इस तरह इतने ज़्यादा पराठे बना बना के खा लेते हैं आजकल के जिस तरह हालात हैं, तो सेहत पे थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए बजाय कि आप जो है हर चीज़ खाई जा रहे हैं और मुँह को चलाई जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी सी टिप है आप सबके लिए। जी यहाँ पे इस तरीके से हुआ है कि मेरा बिल्कुल भी आजकल बनाने का कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा था, तो इस वजह से कुछ डिफरेंट ट्राई करने का दिल करता। तो हस्बैंड जो थे घर पे नहीं थे, बिज़ी थे, तो उन्होंने कहा अपने लिए कुछ ऑर्डर कर ले रहे हैं। तो मैंने 100 रुपये उसकी जो सब्ज़ी ऑर्डर की थी और बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त थी। इतनी गर्मी हो गई अब तो किचन में जाने को भी बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और कुछ पकाना तो बड़ी दूर की बात है, बच्चों के लिए बना लो थोड़ा बहुत, वो भी बस दिल करता है बस थोड़ा बहुत बनाए और फटाफट किचन से बाहर निकला। इतनी ज़्यादा गर्मी में तो किचन ऐसे जैसे कि ना आग बरस रही होती है, आप सबको पता ही होगा एकदम से कितनी गर्मी आ गई है। तो बस यहाँ पे जो मैं अपने जो डिश आउट कर रही थी, जो मेरा ऑर्डर आया था उन्होंने प्लेस किया था, तो बस मैं इसी तरह जो है मज़े मज़े की चीज़ें जो है ट्राई की थी और बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें थी इस तरीके से। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है हम लोग बाहर जा रहे हैं, बच्चे जो है थोड़ा बोर हो रहे थे, उस वजह से खाने पीने का दिल करता है, ये बाहर निकलने का भी दिल करता है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, इस वजह से सोचा कि ना बाहर की जाया जाए। मौसम ज़बरदस्त किस्म का कभी कभी लाहौर में हो जाता होता है, कभी कभी रात में ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं। आजकल मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम भी था और बारिश भी होती रही और हवा भी ठंडी चलती रही है, तो ये खूबसूरत सा व्यू चेक कर रहे हैं, ये कितना खूबसूरत है पार्किंग के बाहर, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था। और बस इस तरीके से जो हम लोग जो है खाना अपना इन्जॉय करने के लिए आए, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना था और जो मेन्यू हमारे सामने आ गया था, और फिर इस तरीके से जो है हमने जो अपना मेन्यू जो देखा उसमें गोरमे रेस्टोरेंट में हमने फिर आए, और यहाँ पे देखें जी हमें जो हमने ऑर्डर किया अपना प्लेस हस्बैंड ने जो अच्छा लगा है खाने के लिए दिल कर रहा था वही ऑर्डर प्लेस किया वॉइस ओवर की। अब मतलब वो इतनी आदत नहीं रही ना तो दिल ही नहीं करता, अब कभी वॉइस ओवर करूँ कभी कर लेती होती हूँ कभी नहीं दिल करता। फिर इस तरीके से जो खाना इन्जॉय किया हमने अपना, खाना फिनिश करने के बाद जी आइसक्रीम ना हो ये कैसे हो सकता है, आइसक्रीम खाना तो वैसे भी मेरी फेवरेट है। और हाँ जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया। अगर दुआ में याद रखिए, याद दे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।